राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कथा सरित सागर से चुनी हुई एक कहानी सच की पहचान। बात बहुत पुरानी है। गंगा नदी के किनारे एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। उसमें एक बूढ़ा रहता था। उसका नाम था हरस्वामी। हरस्वामी के घर में कोई नहीं था। कोई गंगा में स्नान करने आता तो हरस्वामी उसके सामान का ध्यान रखता, उसे बताता, ठहरो भाई ठहरो, उस तरफ मत जाओ, वहाँ पानी ज्यादा गहरा है, किनारे के पास ही गहरा गड्ढा है, आओ मेरे साथ, मैं बताऊंगा तुम्हें, आराम से स्नान करना, सामान की चिंता ना करो। हाँ दिन ढले कोई राही उधर से गुजरता तो, ओ राही, दिन ढल गया है, आगे जाना ठीक नहीं, आगे वन है, इस समय वहाँ जंगली पशु निकल आते हैं और फिर चोर डाकुओं का भी डर है। मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं तुम्हें भोजन तो नहीं करा सकता, किंतु रात तो मेरी कुटिया में ही बिता सकते हो, सुबह चले जाना। कभी कभी कोई पूछ बैठता कि वो निर्जन तट पर अकेला कैसे रहता है, क्या उसे चोर डाकुओं से डर नहीं लगता, तो वो हंस देता, अरे भैया कैसा डर, किससे डर, चोर डाकू यहाँ क्या लेने आएंगे भला, इस कुटिया के अतिरिक्त मेरे पास और है ही क्या। सच कहा था उसने, सचमुच उसके पास कुछ भी नहीं था। लेटने बैठने के लिए एक चटाई और एक जोड़ी फटे पुराने कपड़े। कोई कुछ दे जाता तो खा लेता, नहीं तो भूखा ही रह जाता। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। हरस्वामी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, सदा सुखी और प्रसन्न दिखाई देता था। उस स्थान पर आने वाले सभी लोग हरस्वामी की निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा करते। अपने अपने नगर में लौटकर जाते तो हरस्वामी की चर्चा अवश्य आती। सुनने वाले सोचते, कौन है ये हरस्वामी? लेकिन एक बार अरे रे, आज की रात तो बड़ी भयानक है, कितना भयंकर तूफान आया है, गंगा में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इतनी तेज बारिश, हे ईश्वर ना जाने क्या होने वाला है। बहुत भयंकर तूफान आया था, 3 दिन 3 रात लगातार पानी बरसता रहा। गंगा का पानी किनारे पर काफी दूर तक फैल गया। हरस्वामी की झोपड़ी बह गई। अब क्या होगा? एक कुटिया थी, उसे भी गंगा ने छीन लिया। सब जगह जल ही जल, पता ही नहीं चल रहा मेरी कुटिया कहाँ थी और गंगा का तट कहाँ था। बिना कुटिया के वहां कैसे रहे हरस्वामी? पानी में भीगने से वो बीमार हो गया।
जैसे तैसे पास की बस्ती में जा पहुंचा। वहां एक पुराना मंदिर था। हर स्वामी मंदिर के बरामदे में लेट गया। बस्ती वालों ने एक बूढ़े व्यक्ति को लेटे देखा तो कोई कुछ ले आया, कोई कुछ दे गया। दो दिन में हर स्वामी का बुखार उतर गया। उसने सोचा अब वो इसी बस्ती में रहेगा। अब और कहां जाऊं, गंगा तट वाली झोपड़ी तो बह गई, बुढ़ापे में ज्यादा चला फिरा भी तो नहीं जाता, यहीं रहना चाहिए। तो गंगा तट वाला हर स्वामी बस्ती के मंदिर में रहने लगा। लेकिन उसे खाली बैठने की आदत नहीं थी। पहले मंदिर की सफाई की, फिर क्यारियां बनाकर फूलों के पौधे लगा दिए। पौधे वो पास के बगीचे से ले आया था। एक दिन वहां एक व्यक्ति आया। उसका नाम था शक्तिवेग। शक्तिवेग अच्छा आदमी नहीं था, वो था ठग, चोर। उसने हर स्वामी को देखा तो, अरे ये तो वही है बूढ़ा हर स्वामी जो गंगा तट पर रहता था, पर ये क्या कर रहा है यहाँ? इसका यहाँ रहना ठीक नहीं। शक्तिवेग को हर स्वामी का वहां रहना अच्छा नहीं लगा। क्यों भला? इसलिए कि वो था बुरा आदमी। हर स्वामी तो लोगों की सहायता करता था और शक्तिवेग लोगों को परेशान करता था, ठगता था। हर स्वामी से उसकी मुठभेड़ पहले हो चुकी थी। एक बार शक्तिवेग ने गंगा तट पर स्नान करते एक आदमी का सामान उठाकर भागना चाहा था। यहां तो कोई है नहीं। वो आदमी स्नान कर रहा है। दो पोटलियां रखी हैं, उन्हें उठाकर भाग चलूं। काफी माल होगा इन पोटलियों में। हर स्वामी ने ठग को पोटलियां उठाते देखा तो झट झोपड़ी से निकला। अरे रे, पोटलियां क्यों उठा रहा है? रख दे, मैंने तुझे देख लिया है। मैं जानता हूं तू कहां रहता है। राजा से शिकायत करूंगा। रख दे पोटलियां। शक्तिवेग की चाल नहीं चली। वो अपना समूह लेकर वहां से चला गया। लेकिन मन ही मन बहुत नाराज था हर स्वामी से। उस दिन मंदिर में हर स्वामी को देखकर उसे पुरानी बातें याद आ गईं। उसने बदला लेने का निश्चय कर लिया। मैं इस बूढ़े को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। अगर ये यहाँ रहेगा तो मेरी दाल नहीं गलेगी। शक्तिवेग ने योजना बनाई और साधु का वेश धारण कर लिया, नकली दाढ़ी लगा ली और हाथ में कमंडल लेकर बस्ती में फिरने लगा। अलख निरंजन, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। ईश्वर से डरो, पाप मत करो। अलख निरंजन। शक्तिवेग साधु के वेश में बस्ती में घूमता रहता। कोई कुछ देता तो नहीं लेता, कहता, तुम्हारी बस्ती पर संकट आने वाला है,
उससे सावधान रहो। मंदिर में रहने वाले बूढ़े से बचो। अरे वो बूढ़ा जो मंदिर में रहता है उससे बचो। पहले ये दूसरी बस्ती में रहता था, हाँ वहां से मार कर भगाया गया था इसे। हैं? क्यों साधु बाबा, ऐसा क्या किया था इस बूढ़े ने? बस शक्ति वेग को तो मौका मिल गया। उसने नमक मिर्च लगाकर हर स्वामी के बारे में उल्टा सीधा कहा। वो बूढ़ा बहुत भयानक आदमी है। हाँ वो नन्हे मुन्ने बच्चों को पकड़ कर ले जाता है, उन्हें बेच देता है। पहले ये जहाँ रहता था वहां से इसीलिए भगाया गया था इसे। साधु बने ठग शक्ति वेग की बात जल्दी ही बस्ती में फैल गई। सब इस पर चर्चा करने लगे। हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, साधु बाबा ने मुझे भी बताया था, मैं तो अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दूंगी। अरे मैं भी अपने बच्चों को मंदिर की तरफ नहीं जाने दूंगी। वहाँ जो बूढ़ा आदमी आकर रहने लगा है ना, वो मैंने सुना है बहुत बुरा आदमी है। हाँ री, मैंने भी ऐसा ही सुना है। हाँ, बेचारा हर स्वामी, उसका कोई दोष नहीं था। लोगों ने चालाक शक्ति वेग की झूठी बातों को सच मान लिया। पहले दिन भर बच्चे मंदिर में खेलते रहते थे, लेकिन अब उनका आना एकदम बंद हो गया। ये देखकर हर स्वामी बहुत परेशान हो उठा। न जाने क्या बात है, दो दिन से कोई बच्चा इधर नहीं आया। पहले सुबह शाम बड़े लोग आ जाते थे, पर ना जाने क्यों वो भी नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या हो गया है? उधर ठग शक्ति वेग बहुत प्रसन्न था। अब पता चलेगा बूढ़े को, यहां से भगा कर ही दब लूंगा। इसके जाने के बाद ही मेरा रंग जम सकेगा। शक्ति वेग सारी बस्ती में हर स्वामी के विरुद्ध झूठी बातें करता फिर रहा था, और भोले भाले लोग बिना सोचे समझे उसकी बातों पर विश्वास कर बैठे थे। किसी ने भी सच जानने की कोशिश नहीं की थी। आखिर हर स्वामी से नहीं रहा गया, वो स्वयं बस्ती की ओर चला। अरे अरे देखो, वो शैतान बूढ़ा इसी तरफ आ रहा है। हाँ, सब अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो, वो बच्चों को उठा कर ले जाता है। हाँ। इस बूढ़े से बचो, अपने बच्चों को इससे दूर रखो। अरे इसे अपनी बस्ती से भगा दो, भगा दो। हर स्वामी बस्ती में आया तो बच्चे भागकर घरों में चले गए, घरों के दरवाजे बंद हो गए। अरे रे, ये क्या बात है, लोग इस तरह मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? हैं? इनसे पूछना चाहिए। सुनो भाइयों, सुनो, आप लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? इस तरह भाग क्यों रहे हैं? तुम ठग हो, तुम बच्चों का अपहरण कर लेते हो। हम बच्चों को तुम्हारे पास नहीं जाने देंगे। हाँ, चले जाओ, बस्ती में भी नहीं रहने देंगे। निकल जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, भाग जाओ, चले जाओ, नहीं तो मार मार कर निकाल देंगे, भाग जाओ। क्या मैंने बच्चों को चुराया, उनका अपहरण किया? किसने देखा, कौन कहता है? आपको भ्रम हुआ है, किसी ने बहका दिया है। और कौन कहेगा, मैंने कहा है। हम साधु लोग झूठ नहीं बोलते। बस ज्यादा बातें ना बनाओ, बस्ती छोड़कर चले जाओ, नहीं तो बस्ती वाले तुम्हें पीट पीट कर भगा देंगे। चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, लेकिन मैं पूछता हूँ, किसका बच्चा गायब किया है मैंने, कोई बताए?
हाँ भाई, किसका बच्चा गायब हुआ है? हाँ भाई बताओ तो सही। अरे जल्दी से बताओ भाई, बताओ तुम्हारा हुआ है? मेरा तो नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। तो किसका बच्चा गायब हुआ? समझ में नहीं आई बात। कौन बताता? सब एक दूसरे से पूछते रहे। किसी ने नहीं कहा कि उसका बच्चा गायब हुआ है। कोई बच्चा खोया ही नहीं था तो कौन शिकायत करता। लेकिन तभी एक विचित्र बात हुई। ढोंगी शक्ति वेग की नकली दाढ़ी गिर पड़ी। अरे नकली दाढ़ी? तो क्या ये साधु असली नहीं है? इसने हमसे झूठ बोला? बस्ती में किसी का बच्चा खोया ही नहीं। इसका मतलब इसने हमसे झूठ बोला था। दुष्ट जादू झूठा है। हाँ, ये हमें धोखा देने आया था। अरे पकड़ो इसे, नकली दाढ़ी। हटते ही शक्ति वेग को पहचान लिया हरस्वामी ने। उसे पुरानी घटना याद आ गई। तब तक बस्ती वालों ने ढोंगी शक्ति वेग को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। अरे अरे सुनो सुनो, अब मर गया, अब मुझे मत मारो, अब मर गया। छोड़ दो इसे, जाने दो। हर स्वामी ने शक्ति वेग को छुड़वा दिया। उससे कहा, शक्ति वेग, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जाता हूँ। ठग ने समझ लिया कि अब उसकी कोई चाल नहीं चलेगी। वो सिर झुकाए वहां से चला गया। हर स्वामी ने उसके बारे में बस्ती वालों से कुछ नहीं कहा। बस्ती के लोग हर स्वामी से क्षमा मांगने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हम भ्रम में पड़ गए थे। हमसे बड़ी भूल हो गई बाबा। हाँ बाबा, हमसे बहुत भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम भ्रम में पड़ गए थे बाबा, क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा। जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ। सच और झूठ का अंतर समझना चाहिए। बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा ना करो। बस्ती वाले लज्जित थे। हर स्वामी ने ठीक कहा था। बच्चे मंदिर में आकर फिर से खेलने लगे थे। सच की पहचान। अभी आप सुन रहे थे कथा सरित सागर से चुनी हुई ये कहानी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, राम मैनी, सतीश महाजन और वंदना निगम। रूपांतरकार देवेंद्र कुमार। विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता। ध्वनियांकन दीपक पांडे और केपी बहुगुणा। निर्माण सहयोग वंदना निगम। प्रस्तुतकर्ता अजीत गुप्ता और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।